हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में नया क्या है, क्या सिखाने वाला हूँ, आइए आपको बताता हूँ। चलिए हम स्टॉक आइटम बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमें क्रिएट पे चलना है स्टॉक आइटम बनाने के लिए और यहाँ से स्टॉक आइटम पे चले जाना है। यहाँ पर आपको स्टॉक की कैटेगरी दिख रही है, तो यहाँ आप कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन हमें कैटेगरी यहाँ से नहीं बनानी। दिक्कत कहाँ आ रही है, कैटेगरी बनानी है हमें यहाँ से। स्टॉक आइटम में जाते हैं तो यहां पर हमें कैटेगरी नहीं दिखाई पड़ती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको कैटेगरी दिखाई पड़े और कैटेगरी बनाने का मतलब क्या है, ये दोनों ही बात बताता हूं। पहले कैटेगरी दिखाई कैसे पड़ेगी उसकी बात बताता हूं। तो F12 की प्रेस कर दीजिए आप यहां से। जैसे ही आप F12 की प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा यूज स्टॉक आइटम ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, फिर दिया हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो ये नो है, तो इसीलिए कैटेगरी दिखाई नहीं पड़ रही है स्टॉक आइटम बनाते समय। तो इसको यस कर दीजिए, आप डबल क्लिक करिएगा तो ये यस हो जाएगा और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा तो यहां पर अब आपको कैटेगरी नजर आने लगेगी। तो एग्जांपल के तौर पर मैं एक आपको स्टॉक आइटम बना के दिखाता हूं, जैसे सेलो पेन कर देता हूं मैं, ठीक है। ये एक स्टॉक आइटम है और यहां पर आने के बाद ये लिस्ट ऑफ ग्रुप है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। यहां पर कैटेगरी हमें बनानी है तो यहां पर कैटेगरी मैं कर देता हूं पेन, PEN, ठीक है। तो ये पेन कर दिया हमने, एंटरप्राइज किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है, ये पेन हो गया। यहां पर NOS यानी नंबर्स यूनिट मैंने पहले से बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो यहां से जाकर के आप यूनिट भी बना सकते हैं, ठीक है। NOS कर दिया, एंटरप्राइज किया, ये गुड्स ही है, एंटरप्राइज किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये एक्सेप्ट तो हो गया, अब इसकी एंट्री जब आपको करनी होगी तो पहले तो परचेज में एंट्री करेंगे आप, तो परचेज में एंट्री करने के लिए यहां से F9 प्रेस कर लीजिएगा, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिएगा, आएगी क्रेडिटर पार्टी, अगर आप क्रेडिटर पार्टी लगाना चाहते हैं तो अदरवाइज कैश भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंटरप्राइज करते हुए यहां पर आ जाइए, अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो इसको रेगुलर जरूर रखिएगा, रेगुलर कर देता हूं, ठीक है, और एंटरप्राइज कर देता हूं। GSTIN आप चाहे तो डाल सकते हैं, यहां परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है। और यहां पर हमने बनाया था सेलो पेन, तो बस यहां से सेलो पेन हम ले लेते हैं और यहां पर 5 आइटम हम सेलो पेन के खरीद रहे हैं और मान लीजिए एक पेन जो है हमें 20 रुपए का पड़ रहा है, तो इसके हिसाब से यहां टोटल आ गया, ठीक है, देख सकते हैं आप टोटल आ गया है। अब इसी तरीके से अगर आपको दूसरा स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है, दूसरे पेन का स्टॉक आइटम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया लिंक का पेन है, ठीक है, एंटरप्राइज किया, यहां प्राइमरी ही रहेगा। यहां पर जैसे ही आते हैं तो आपको कैटेगरी नजर आती है, तो कैटेगरी क्या हो जाएगी, पेन हो जाएगी, यहां पे पेन कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी यहां NOS ही रहेगा, ठीक है, एंटरप्राइज करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये फायदा है, कैटेगरी आपको वहां देखने को मिल जाएगी 7 है और यहां पर मैं कर देता हूं 10 रुपए इसकी कीमत, तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से ये कीमत आ गई है, ठीक है। अब कीमत आ जाने के बाद यहां पे जीएसटी भी अगर आपने इनेबल कर रखा है, नहीं इनेबल किया तो F11 की प्रेस कीजिए और यहां से वाई प्रेस कर दीजिएगा, ये देखिए ये वाई प्रेस कर देंगे ना तो जीएसटी आ जाएगा और ये पूरी डिटेल फिल कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं ऐसे ही, कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, ठीक है। और यहां पर हम CGST SGST लगा लेते हैं, तो ये CGST आ गया 17.85 रुपए और SGST, ठीक है, ये भी हमने लगा लिया और अब कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें हमें इन सबको यस करके कंट्रोल ए कर दिया है मैंने और इसका प्रीव्यू अब देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं ये बिल जो है काफी बड़ा अब दिखाई पड़ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको क्वांटिटी रेट और यहां पर जो आपका यूनिट आपने बनाया वो दिखेगा, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं हमने, बाकी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितने रुपए टैक्सेबल वैल्यू है वो आएगा और बाकी परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाएगा, CGST SGST का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा और आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि टोटल कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 121 रुपए प्राइस हो गई और यहाँ पे 84 रुपए प्राइस हो गई, यहाँ पे देखिए 100 रुपए दिखा रहा है, 100 रुपए यानी इसमें GST लग के आया हुआ है, ये बिना GST के आया हुआ है, ठीक है, टैक्स कितना लगा हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।